गाइज वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माई चैनल मैथ्स विदारना। क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। तो आइए रीड करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करते हैं। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं कॉन्जिक्यूटिव, यानी कि लगातार आने वाले, से 15, 16, 17, 18, सम ऑफ हूज स्क्वायर इज 365। उनका स्क्वायर का सम कितना है? 365 है। तो लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर, मैं मान लूंगी एक्स और एक्स प्लस वन, ठीक है, लगातार आने वाले दो इंटीजर्स इस तरीके से मानते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है इन दोनों के स्क्वायर का सम, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर का सम है 365। एक्स स्क्वायर यहाँ पे लगेगी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, वो होती है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर होता है 2x स्क्वायर, ये आएगा आपका 2x और ये है 1 और ये इधर आकर हो जाएगा माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x ये आएगा माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। 2 आता है कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2 2 8 16 ये 182 इज इक्वल टू 0। 2 कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। 182 के इस तरीके से फैक्टर ढूंढो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 182 आए, लेकिन प्लस माइनस है ना, यहाँ पे माइनस करने पर आपका 1 आए। तो आइए अपना फैक्टर ढूंढते हैं। तो देखिए मेरा फैक्टर आए 7 2 14 और 13, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स यानी कि एक्स प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लोगे, एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 14 एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। पुट रखेंगे एक बार एक्स प्लस 14 को 0, तो एक्स कभी भी ये हो नहीं सकता क्योंकि इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, तो नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। जब हम x माइनस 13 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 13। तो therefore required two consecutive integers are 13 और एक 13 प्लस 1 14। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।